जो नोर गेट होता है नाम से स्पष्ट है कि ओर गेट और नोर गेट से मिलकर बना हुआ होता है। इसका संबंध कुछ इस प्रकार से होगा, ये हमारा ओर गेट इनपुट ए और बी और इसके आगे जुड़ा हुआ है नोर गेट। अब ये ओर गेट जो है ये इन दोनों को ऐड कर देगा, इसका से आपको आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। अभी जो नॉट गेट है इसका इन्वर्जन कर देगा राइट, तो इस कारण से आपको आउटपुट मिलेगा वाई प्लस टू ए प्लस बी बार। ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है इस नॉट गेट के लिए राइट। अब इसकी ट्रुथ टेबल टोटल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये ए प्लस बी है और ये ए प्लस बी बार। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, बहुत सिंपल है ये चीज। अब देखो यदि आप जीरो जीरो करते हो तो इन दोनों का तो जो ओर गेट है वो आपको जीरो आउटपुट देता है, जब आप इसको जीरो वन कर देते हो तो ओर गेट आपको एक आउटपुट देता है, जब आप इसको वन जीरो कर देते हो तो आपको आउटपुट एक मिलता है, जब आप वन वन करते हो तो आपको आउटपुट वन मिलता है ओर गेट की सहायता से। तो ये आपने जो ओर गेट की सहायता से आउटपुट निकाल दिया, अब आपको नोर गेट की सहायता से आउटपुट निकालने के लिए इनका इन्वर्जन करना पड़ेगा। तो इस कारण से आपको जीरो कन्वर्जन होगा वन, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो। तो ये जो आ रहा है यहाँ पर ये नोर गेट का आउटपुट है राइट। इसका मतलब ये है कि जब आप जीरो जीरो लगाते हो नोर गेट पर तो आपको वन मिलता है, उसके बाद में चाहे आप जीरो वन लगाओ, वन जीरो लगाओ, वन वन लगाओ, इन सभी के लिए आउटपुट आपको जीरो मिलेगा राइट। अब इसको हम इसके तुल्य विपरीत यानी कि इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट की सहायता से इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। देखो कैसे, जिस प्रकार से हमने नैंड गेट के लिए इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट बनाया था स्विच और बल्ब की सहायता से, ठीक इसी प्रकार से हम नॉर गेट के लिए बनाएंगे। बहुत सिंपल है ये हमारा बल्ब, और नैंड गेट में हमने यहां पर दो सीरीज में स्विच डाले थे, हम इसमें क्या करेंगे कि दो स्विच डाल देंगे पैरेलल, क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर गेट होता है उसमें पैरेलल स्विच होते हैं, इसलिए वो जो पैरेलल स्विच होंगे उनको हमने यहां पर लगा दिया। ये स्विच S1 है और ये स्विच S2 है राइट, और ये इन दोनों का इनपुट है। जब आप स्विच को क्लोज कर दोगे तो इनपुट एक आता है, स्विच को ओपन कर दोगे स्विच को खोल दोगे तो उस केस में आपको आउटपुट जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा। अब देखो जब आप दोनों को ओपन रखते हो तो जब आप इन दोनों स्विचेस को ओपन रखोगे जीरो जीरो रखोगे, यानी जीरो मतलब आपको पता है स्विच ओपन करना होता है, जब आप इन दोनों स्विचों को ओपन रखोगे तो इस सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि दोनों सर्किट खुले हुए हैं, सारा सारा करंट इस बल्ब के थ्रू फ्लो होगा, बल्ब ज्यादा फ्लो करेगा, इस कारण से आपको एक आउटपुट मिलेगा राइट। जब आप स्विच ए को खुले रखते हो बी को क्लोज कर देते हो, जब आप स्विच एस टू को क्लोज करते हो यानी आप बी पर वन देते हो, इस कारण से जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और करंट इस तरीके से फ्लो होने का इस पाथ के थ्रू फ्लो होने का आपको पता है कि ये पाथ कम रेजिस्टेंस का है, इसे सारा सारा करंट इस पाथ से फ्लो होगा और इस पाथ में आपको कोई भी करंट नहीं मिलेगा और इस कारण से बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसलिए आपको जीरो मिलेगा। अब क्या होगा कि इस तीसरी कंडीशन के लिए जब आप ए को क्लोज कर दोगे और बी को ओपन रखोगे, जब आप ए को क्लोज करो यानी कि जब आप स्विच S1 को क्लोज करो, S1 को क्लोज करोगे तो A के लिए A की वैल्यू एक आएगी राइट, और जब आप इस स्विच S2 को ओपन करोगे तो जब स्विच को ओपन कर रहे हो इसका मतलब यह है कि आपने B पर जीरो दिया राइट। तो इस प्रकार से जब आप S1 को क्लोज करो, S2 को ओपन रखो तो जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, और करंट इस डायरेक्शन में इस पाथ में फ्लो होने के कारण आपको इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं मिलेगी और इस कारण से ये बल्ब
ग्लो नहीं करेगा और इस बैंक से आपको जीरो मिलेगा, राइट। अब जब आप दोनों स्विच को क्लोज कर देते हो, तो दोनों स्विच को क्लोज कर दोगे S1 S2 को, तो पूरा जो करंट है वो इस पाथ के थ्रू फ्लो होगा और इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और एक बार फिर से आपको इस बल्ब में कोई भी रोशनी, चमक या ग्लोनेस दिखाई नहीं देगी और इस कारण से आपको यहाँ पर जीरो मिलेगा, क्योंकि जब जो बल्ब है ग्लो नहीं करता तो उसको आप जीरो मानते हो। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने देखा कि इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट किस तरीके से ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करता है। अब हम देखेंगे इसका रिलेशन किस तरीके से किया जाता है। इसका रिलेशन करने के लिए ठीक इसी प्रकार से हम करेंगे जिस प्रकार से हमने नॉट गेट नैंड गेट के लिए किया था। तो ये हमने यहां पर लगा दिया नॉट गेट और ये हमारा आरएन रेजिस्टेंस, और इन दोनों पॉइंट डी और ग्राउंड के बीच में हम क्या करेंगे, वोल्टेज लेंगे। और ये जो वोल्टेज होगी ये नॉर गेट के आउटपुट वाई को रिप्रेजेंट करेगी। और यहां पर हम और गेट को बना देंगे। ये आपको पता ही ये वाला और गेट है। अब क्या है देखो, जब आप दोनों इनपुट पर जीरो जीरो वोल्टेज रखते हो, तो जब आप जीरो वोल्टेज रखोगे तो ये डायोड और ये डायोड दोनों रिवर्स बायस में होंगे, डायोड काम नहीं करेंगे और जिस कारण से आपको यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी और ये हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा वो कट ऑफ रीजन में रहेगा और आपको हाई वोल्टेज मिलेगी और हाई वोल्टेज को हम एक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप इस डायोड पर जीरो और इस डायोड पर एक लगाते हो, यानी इस डायोड पर आप जीरो वोल्ट और इस डायोड पर जब आप हाई वोल्टेज लगाते हो, तो ये डायोड काम करेगा, राइट। और डायोड के काम करने से आपको यहाँ पर हाई वोल्टेज मिलेगी और हाई वोल्टेज मिलने के कारण ये ट्रांजिस्टर हमारा सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाएगा और जिस कारण से आपको इस डी और ग्राउंड के बीच में लो वोल्टेज मिलेगी, यानी वाई आपको लो मिलेगा और लो वोल्टेज को हम जीरो उधर रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब आप ए को वन कर दो, ए को वन कर दो, बी को जीरो कर दो, जब आप ए को वन कर दोगे बी को जीरो कर देंगे, तो जो डायोड होगा ये वाला डायोड जो होगा वो कंडक्ट करेगा और इस कारण से इसके कंडक्शन से यहां पर आपको हाई वोल्टेज मिलेगी। हाई वोल्टेज मिलने के कारण ये ट्रांजिस्टर हमारा सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाएगा और इस कारण से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको जीरो वोल्टेज मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से जब आप दोनों डायोड्स पर हाई वोल्टेज लगा देते हो तो दोनों डायोड काम करते हैं, दोनों डायोड काम करने से यहां पर आपको हाई वोल्टेज मिलती है और इस कारण से ये ट्रांजिस्टर हमारा काम करेगा और ट्रांजिस्टर के काम करने से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको लो वोल्टेज मिलेगी। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जब आप दोनों डायोड्स पर जीरो वोल्ट लगाते हो तभी आपको यहाँ पर हाई वोल्टेज मिलती है और बाकी जितने भी केस हैं उसमें आपको यहाँ पर जीरो वोल्टेज मिलेगी। स्टूडेंट्स, अब हम XOR गेट के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, XOR गेट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव OR गेट। इसका सिंबल जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो इस प्रकार से होता है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन यदि ये आउटपुट वाई माने, यदि इनपुट ए और बी है, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से होगा वाई इज टू। यहां पर हम एक स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल करेंगे और जब आप इस ए और बी के बीच में जो ऑपरेशन है इस प्रकार से है ए बी बार प्लस बी ए बार। इसका मतलब यह है कि जब आप इन दोनों इनपुट्स को जब आप XOR गेट में लगाओगे
तो इसका आउटपुट मिलेगा आपको ए बी बार प्लस बी ए बार। आइए फ्रेंड्स, अब हम इसकी ट्रुथ टेबल को बनाते हैं और इसके ट्रुथ टेबल के द्वारा ही हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? ए बी राइट, और उसके बाद में ए बी बार प्लस बी ए बार, और यहां पर होगा बहुत सिंपल सा है फ्रेंड्स ट्रुथ टेबल इसका। तो मैंने आपको बताया था कि जीरो का इन्वर्जन वन होता है राइट, अगर आप कहते हो कि नॉट जीरो इक्वल्स टू ए और ए का इन्वर्जन जीरो होता है, इसका मतलब ये होता है कि नॉट वन इक्वल्स टू जीरो राइट। अब ये भी कह सकते हो कि जीरो वन आपस में दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब देखो ये पहले हम पुट देते हैं जीरो जीरो, जब आप इसको जीरो रखते हो इसको जीरो रखते हो, ए की वैल्यू तो जीरो है और बी बार जीरो का इन्वर्जन क्या होगा ए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई जीरो। अब भी किसी प्रकार से बी की वैल्यू कितनी है जीरो और ए का ए बार की वैल्यू हो जाएगी वन, ये होगा आपका जीरो। इस प्रकार से आउटपुट आपको मिलेगा जीरो। आप दोनों को ऐड करोगे तो जीरो मिलेगा राइट, ऐड करोगे तो जीरो मिलेगा जीरो। यदि आप यहाँ पर जीरो वन करते हो तो ए तो आपका जीरो है और लेकिन जो बी है बी वन है और वन का इन्वर्जन जीरो होता है इसलिए जीरो रहेगा। ठीक इसी प्रकार से जब आप यहाँ पर देखोगे तो बी की वैल्यू कितनी है वन और ए बार जीरो का मान कितना होगा वन, तो ये आपका वन कितना का वन। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ऐड करोगे तो आपको मिलेगा वन राइट। ठीक इसी प्रकार से आप वन जीरो करोगे, वन जीरो करोगे तो ए की वैल्यू कितनी है वन, बी बार की वैल्यू कितनी है, अब जीरो का इन्वर्जन कितना होगा वन, इसी को कितना आ गया वन। अब बी बी की वैल्यू कितनी है जीरो और ए बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा। अब वन वन प्लस जीरो कितना हो गया वन। अब नेक्स्ट जो है यदि आप इसको वन वन कर दो, वन वन कर दोगे तो वन और बी बार वैल्यू कितनी आएगी इसकी जीरो, और यहां पर आप देखो बी ए बार बी की वैल्यू कितनी है वन, ए बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो ए बार यानी कि जब वन का बार करोगे तो जीरो आ जाएगा जीरो, यहाँ कितना आ जीरो, जीरो प्लस जीरो कितना होता है। अब फ्रेंड्स इसी ट्रुथ टेबल से इसकी परिभाषा निकलती है, क्वेश्चन आएगा कि एक्स वार गेट क्या होता है, तो आप देखो क्या करोगे। एक्स वार गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें वन तभी प्राप्त होता है जब ए और बी समान ना हो। क्या होता है कि एक्स वार गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें वन तभी मिल सकता है जब ए और बी की इनपुट वैल्यू समान ना हो राइट। यदि इनपुट वैल्यू सेम है, यदि ए बी की वैल्यू जीरो है तब भी आपको जीरो मिलेगा, यदि ए बी की वैल्यू वन है तभी भी आपको जीरो मिलेगा। यदि ए और बी बराबर नहीं है, या तो ए जीरो है या बी वन है या बी वन है या ए जीरो है, तो इस केस में आपको वन मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये होगी एक्स वार गेट की परिभाषा। अब स्टूडेंट्स इसको रिलाइज किस तरीके से किया जाता है, देखो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल गेट्स तीन होंगे, कौन कौन से होंगे, एंड गेट और गेट और नॉट गेट। अब इनकी सहायता से आप जो है अलग तरीके गेट बना सकते हैं। एक्स वार गेट है उसकी उत्पत्ति भी आप उसकी रचना भी आप इन गेट की सहायता से कर सकते हैं। देखो कैसे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको ऐड करना है इन दोनों वैल्यूज को, आपको ऐड करना है और ऐड करने के लिए आप क्या करते हो और गेट का इस्तेमाल करते हो। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको दोनों को ऐड करना है इन दोनों वैल्यूज को, तो ऐड करने के लिए आप ओआर गेट का इस्तेमाल करते हो। अब क्या है कि आपको दो वैल्यू चाहिए, आपको इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं एंड गेट का राइट। दो चीज और एंड गेट की ये दोनों राइट। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए भी हम एक एंड गेट का इस्तेमाल करेंगे और एंड गेट का जो आउटपुट होगा उसको हम ओआर गेट पर ओआर गेट पर एज इनपुट देंगे। अब इसमें भी आपके पास दो वैल्यू राइट। अब क्या है, एक वैल्यू दी आपने ए और दूसरी आपने दी बी राइट। तो आप क्या करोगे कि बी बार करना ना आपको,
अब बी बार करने के लिए अपने क्या करेंगे, यहां पर एक नॉट गेट लगा देंगे, तो ये आपका बी बार। अब ए और बी ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कैंडिडेट आपको देगा ए बी बार, राइट। अब हम और क्या करते हैं, दूसरे में क्या है बी, तो सेम का सेम रहना चाहिए, सेम का सेम रहेगा, लेकिन एक का आपको बार लगाना है, तो इसे बार लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक है नॉट गेट लगा देंगे, राइट। तो अब जो ए है वो तो यहां पर आपको मिलेगा ए बार और बी आपका सिंपल का सिंपल मिलेगा, तो यहां पर आपको मिलेगा एंड गेट के बाद में ए बार, ए बार बी, राइट। अब ये दोनों जो इनपुट होंगे ओआर गेट पे आ रहे हैं और या ओआर गेट में दोनों इनपुट को ऐड कर देगा तो आपको आउटपुट मिलेगा ए बी बार प्लस ए बार बी, राइट। इस प्रकार से हमको इसका जो आउटपुट मिलता है वो एक्स वन गेट के रूप में मिलता है, इसलिए यहां से यहां तक हमारा एक्स वन गेट है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप एक्स वन गेट बना सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंटरफेरेंस की बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।